हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, इंडियन मार्केट में वन प्लस उनका एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, वन प्लस नॉट 3। गाइस, ये जो फोन है ना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब गाइस, ये फोन कब तक लॉन्च होगा, कितनी प्राइस सेगमेंट का होगा, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, क्या इसके कन्फिग्रेशन होंगे इंडियन वेरियंट के अंदर, गाइस सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, आपको बता दूं, जो वन प्लस नॉट 3 है वो इंडियन मार्केट में जून के थर्ड वीक या फिर जो है फोर्थ वीक के अंदर जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब गाइस, बात करते हैं वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में। जो उसका बेस वेरिएंट होगा वो होगा 8GB रैम के साथ में। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो बताया जा रहा है गाइस, जो रूमर्स एंड लीक्स ही बोल रहे हैं कि जो 8GB रैम वाला का प्राइस होगा ना, वो होगा लगभग 30 से 31 हज़ार रुपए के आसपास। मतलब 30 हज़ार रुपए का आपको जो है OnePlus Nord 3 देखने को मिलेगा। अब इस फोन के अंदर ऐसा क्या होगा, क्या ये कॉम्पिटिशन दे पाएगा या फिर जो है नहीं दे पाएगा, या फिर जो है क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर जो है नहीं वेट करना चाहिए, गाइस सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के फर्स्ट लुक के बारे में। तो गाइस, आपको जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा OnePlus Nord 3 का, जहां पे बैक में यूज किया गया है ट्रिपल कैमरा सेटअप, एंड यहां पे आपको जो है बैक ग्लास देखने को मिलेगा। फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो वही आपको मिलेगा पंच होल स्क्रीन, जो कि होगा 6.74 इंच के डिस्प्ले के साथ में। फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा 90 हर्ट्ज के फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में। मतलब गाइस, डिस्प्ले क्वालिटी में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, डिस्प्ले परफॉर्मेंस जो है काफी इंटरेस्टिंग है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के यहां पे बैक कैमरा के बारे में या फिर जो परफॉर्मेंस के बारे में, कैसे आपको बता दूं, यहां पर चिपसेट यूज होने वाला है वो है मीडियाटेक का लेटेस्ट चिपसेट, जो कि है 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है मीडियाटेक 9000 चिपसेट, जिसका परफॉर्मेंस जो है लिटरली काफी आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि जो इस फोन का परफॉर्मेंस है, इस UI के साथ में जो है एक इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस हमें जो है डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, और कॉम्पिटिशन मार्केट को जो है ये इजिली बीट कर सकता है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, यहां पर यूज होने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी सेंसर होगा ना गाइस, वो होगा 50MP के साथ में सोनी का सेंसर होगा। गाइस, नो डाउट गाइस, वॉइस साथ में कुछ एक अच्छी इमेज डेफिनेटली जो है कैप्चर करके देगा। एंड अगर सेकेंडरी कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो वो होगा 8MP का अल्ट्रा वाइड, एंड थर्ड जो कैमरा होगा वो होगा मैक्रो लेंस। एंड गाइस, अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहां पर आपको मिलने वाला है 16MP का फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस। गाइस, ओवरऑल जो है यहां पे डिजाइन अच्छा है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड चिपसेट परफॉर्मेंस भी आपको जो है एक अच्छा देखने को मिल जाता है 9000 साथ में। एंड इसके अलावा जो है कैमरा परफॉर्मेंस भी जो है एक अच्छी इमेजेस जो है डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग आउटपुट के बारे में, तो यहां पर जो बैटरी मिलने वाली है वो है 5000mAh की बैटरी। एंड ये जो फोन है वो सपोर्ट करने वाला है 80W के फास्ट चार्जिंग को। और अच्छी बात गाइस ये है, जो 80W का चार्जर है ना, वो आपको इनबॉक्स में देखने को मिलेगा OnePlus तरफ से। गाइस, काफी इंटरेस्टिंग बात है, जहां पर दूसरे जो ब्रांड है वो चार्जर को गायब कर रहे हैं, यहां पर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर चार्जर इनबॉक्स में आता है तो। एंड गाइस, अगर बात करते हैं सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और साथ में जो है यहां पर स्लाइडर आपको देखने को मिलेगा, अलर्ट स्लाइडर, जो कि OnePlus ने जो है कुछ फोन्स में पहले गायब कर दिया था, लेकिन अब आपको जो है यहां पर सबका यहां पे फेवरेट जो है अलर्ट स्लाइडर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया 8GB रैम जो है बेस वेरिएंट होगा, एंड 12GB रैम वाला वेरिएंट आपको जो है इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करते हैं, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो बेस वेरिएंट होगा वो होगा 30 से 31 हज़ार रुपए के आसपास। तो यहां पर जो है इंडियन मार्केट में जून के अंदर थर्ड वीक के अंदर या फिर जो है फोर्थ वीक के अंदर जो है डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपका मानना है इस OnePlus Nord 3 के बारे में, जो भी आपके माइंड में हो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।